2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पहली बार लोगों को इस बात का अनुभव हुआ कि सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, ये सरकार देश को बदलने के लिए आई है। और ये जो देश को बदलने का कंसेप्ट था, स्वराज तो मिल गया मगर सुराज कब मिलेगा, ये सबके मन में क्वेश्चन मार्क था। 70 साल के अंदर धीरे 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 हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था, क्योंकि लोकतंत्र के सुफल लोगों तक तभी पहुंचते हैं जब स्वराज को हम सुराज के अंदर परिवर्तित करें, सुशासन के अंदर परिवर्तित करें। और नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की ये जो अपेक्षा थी स्वराज को सुराज में परिवर्तित करने की, इसको बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया और इसके लिए अहर्निश प्रयास किया, इसके लिए सबको साथ लिया और साथ लेकर एक सामूहिक प्रयास का नतीजा है लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है, लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। और लोग 25 साल के बाद जब देश की आज़ादी की शताब्दी मनाई जा रही होगी, तब देश कैसा होगा इसका मानचित्र हर नागरिक अपने मन में बनाता है, न केवल अपने मन में बनाता है, अपना इसमें क्या योगदान होगा इसके लिए भी वो सोच रहा है।